इसको इग्नोर करने वाला हूँ। तेरा फैसल क्या मसला है? मैं यार वो जीती है गलती किससे नहीं होती, दोस्ती रही नहीं है बस। मैं अब एक्टिंग कर रहे तो वकील रो रहा है यार। ओए 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 Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel। तो आज एक और दिन है, मतलब कि मेरा लास्ट डे ही चल रहे हैं गाँव से जाने के। तो आज मैं करने वाला हूँ फैसल के साथ इग्नोरिंग प्रैंक फॉर अ होल डे, 24 आवर्स में आज इसको इग्नोर करने वाला हूँ। तो बहुत मज़ा आएगा आज के इस व्लॉग में। मैंने इस नुन्ने को भी बीच शामिल किया हुआ है साध को, और आज का ये प्रैंक बहुत ही मज़े का होने वाला है, क्योंकि इस प्रैंक में आज मैं फैसल को बहुत इग्नोर करने वाला हूँ और वो सोचेगा कि नाराज़ क्यों हुआ ये वो, मैं कोई वजह निकालूंगा। तो उसके साथ नाराज़ होकर पूरा दिन बहुत मज़ा आएगा। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो प्रैंक स्टार्ट करते हैं वो भी मज़ेदार सा, सो लेट्स गो। ये है फैसल का भाई खड़ा, इसको आप लोग जानते होंगे, ये है मोहम्मद जावेद। आप लोग देख सकते हो दो उंगलियाँ करके खड़ा है यहाँ पर। तो हम कहीं घूमने का प्लान कर रहे थे बट आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। सो गाइस फैसल जो है वो चला गया है बाज़ार की जाने, बहुत तंग कर रहे हैं मैं और साथ उसे, आज ज़रा से बात नहीं करेंगे, तगड़ा किस्म का प्रैंक होने वाला है। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हो आज उस घर में शादी है, जो सामने आपको घर दिख रहा है ना इसमें शादी है। तो मम्मा मेरी वहाँ गई हुई हैं, तो बाकी घर वाले भी उधर गए हुए हैं, तो आज हम घर में तकरीबन हम बच्चे ही हैं, तो इन्जॉय वन्जॉय कर रहे हैं। बाकी बात बहुत गर्मी है यार, यहाँ से मैं उधर चला जाऊँ तो बहुत गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है। रात को बारिश तो हुई है, मौसम अभी ठंडा था पर अचानक से फिर से धूप आ गई और आसमान में कोई बादल नहीं है। तो फिलहाल हम यहीं पर घूमते फिरते हैं और नेक्स्ट सीन देखा। सो गाइस यहाँ पर मकई के दाने छीले जा रहे हैं, दाने जो होते हैं ना, फाइनली वो मकई का मौसम आ चुका है। वहाँ नीचे ट्रैक्टर लगा हुआ है, ये जो इन्होंने बाड़ियाँ बनाई हुई हैं जहाँ पर जगह पर ये मकई उगाते हैं, ट्रैक्टर लगा हुआ है। अभी वो ट्रैक्टर सब कुछ यहाँ पर वो खोद के चला जाएगा, फिर ये लोग इन दानों को वहाँ पर डालेंगे और वहाँ पर मकई उगाएगी। आप लोग देख सकते हैं मकई रह जा रही है, वो फैसल है देख रहा था और मैं उसे लगा। बाकी यहाँ पर जो मकई यहाँ पर उगाई जा रही है, ट्रैक्टर लगा हुआ है, आप लोगों ने देखा है, वो देखो कुछ बंदे नीचे खड़े हैं। यहाँ पर अभी ये मकई लगाई जाएगी, अभी जो सारी बाड़ियाँ आपको नज़र आ रही है ना इस सारी जगह पर जो है ये मकई उगाई जाएगी। अभी वो ट्रैक्टर लगा हुआ है, ना तो की आवाज़ आ रही होगी, और ये वो बंदा जा रहा है, आप लोग देख सकते हो इग्नोरिंग प्रैंक बहुत अच्छा जा रहा है। वो बंदा खड़ा है जिससे हम लोग नाराज़ हैं, और इस तरफ ही हमारे मामू लोगों की हैं, यहाँ पर तो अभी नहीं स्टार्ट किया फ़िलहाल, तो वहीं पर हो रहा है। वो देखो वो रहा ट्रैक्टर नमूना, वो खड़ा है नमूना, इस नमूने का भी मैंने पत्थर मारा, बड़ा जालिम लगा इसको, है ना। वो यहाँ से देखो ये सारा यहाँ पे इन्होंने किया, और वो नमूना ऊपर आ रहा है, देख सकते हो अभी आप, इसको भी फिर पत्थर मारते हैं। oh, no! आ रहा है ऊपर ही आ रहा है। वो ट्रैक्टर आप लोग देख सकते हो अभी भी लगा हुआ है यहाँ पर। शादी से भी सारे लोग अभी वापस नहीं आए तो हम लोग यहाँ बैठे हुए, ये साध है। चलो चलो चला गया वो, देख सकते हो आप लोग, है ना। उसे चक बढ़ गया गाइस, बट हम उसको स्टिल इग्नोर कर रहे हैं। सो गाइस फैसल अभी तक घर नहीं आया। फैसल के साथ जो मैंने आज प्रैंक किया है वो समझ रहा है कि मैं लिटरली उसके साथ नाराज़ हो चुका हूँ। अभी वो गया हुआ है मैच वैच खेलने, और मैं उसका वेट कर रहा हूँ कि जब वो आए तो फिर हम प्रैंक को थोड़ा और तड़का लगाएंगे, उसके बाद फिर हम उसको बताएंगे कि हम उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ पर ये सनसेट वगैरह देख रहे हैं, और आप लोग मौसम वौसम देख सकते हो, नीचे तो ट्रैक्टर लगा हुआ है वो देख सकते हैं आप, वो ट्रैक्टर लगा हुआ है अभी आपको यहाँ से नज़र आएगा, वो रहा ट्रैक्टर, और ये देखेंगे गाँव सारा आगे पीछे। फिलहाल तो ये है कि यहाँ पर अभी शाम पड़ने वाली है, व्लॉग तो कंटिन्यू करेंगे जब फैसल आएगा, क्योंकि आज हमने उसी को इग्नोर करना था। सो फैसल आता है तो फिर हम व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, लेट्स गो। फैसल जो है वो घर आ चुका है, अभी वो बाहर है, अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, उसके साथ प्रैंक करना है फिर से, अभी वो आने दो इधर। अरे बाबू मेरे को बहुत तारीफ लगी है रे। तुम उसके पास जाके बैठो ना,
उसे कहो कि अहमद तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। उसे बोलना वो ऊपर व्लॉग बना रहा है, जाके उसे तंग करते हैं, ठीक है। ये बात उसको बोलो, वो आ जाएगा, फिर वो तंग करने ज़रूर आएगा। अच्छा जाओ उसे बोलो, ठीक है, आराम से जाना। गाइस अभी मैंने इसको भेजा है कि वो फैसल को लेके आएगा, इसी तरीके से ऊपर लेके आएगा कि हमें व्लॉग बना रहा हूँ, उसे तंग करते हैं। जब वो ऊपर आके मुझसे बातें करेगा, मतलब कहेगा हे यू वगैरह, मैं उसको जवाब नहीं दूंगा। तो ये रियल टाइम है उसके साथ मज़ेदार सा प्रैंक करने का। थका हुआ भी आया है तो इसके साथ अच्छा सा प्रैंक करते हैं। अभी वो आता है सो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं उनको दिखाता हूँ जो यहाँ का नाइट व्यू होता है, ठीक है। नाइट ये आप लोग देख सकते हैं, ये बकरी आप लोग देख सकते हैं। ये है मेरा दोस्त, ये है मेरा दोस्त। तेरा फैसल क्या मसला है, मैं बात नहीं कर रहा तो तुम बिना वजह हो गए यार, बात क्यों नहीं कर रहा? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ यार, तुमने जो दिन को मुझे दो गालियाँ दी है ना, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ यार। दो गाली, ये कोई तरीका था यार गाली देने का? यार माफी मांगी है ना आपने? कौन सी माफी, ये कोई माफी है? गलती हो गई है, गलती की बात नहीं है ना, गाली दी और दी क्यों? मैं कोई ज्यादा बुरा हूँ तुमसे? नहीं बुरा नहीं, वैसे बुरा तुम समझते हो ना मुझे, बुरा मैं समझ नहीं, सही गल है, नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे यकीन है। नहीं बुरा तो जैसे तुमने जो गालियाँ दी हैं बकायदा इसने भी सुनी है, सुनी है ना तुमने? यार हो जाती है गलती, किससे नहीं होती है, गलती की बात ही नहीं है की तो क्यों गालियाँ देंगी तो तुम मुझे दे दो मारो। मैं जवाब ही नहीं दूंगा, सादी बात है, सीधी बात नहीं बोलो तो सही बोलते नहीं, बात ही नहीं करूंगा, सीधी बात कितनी गलत बात है। मैं अब आपके घर मेहमान बन के आया हूँ तो आप आगे से गालियाँ दो, ये भी अच्छी बात है यार, गलती हो गई है ना। गलती की क्या बात है, मैं बस छुपा था, मजाक किया था कि तुम्हारा दोस्त था। गलती एक बार इंसान से हो जाती है, माफ करना गलती की बात नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन अब ब्लॉग के बीच क्यों आ रहे हो? नहीं तुम बोलो ना यार, ऐसे ही बोलो दोस्ती, ऐसे क्यों दोस्ती रही नहीं है, बस ठीक है ना, समझ गए दोस्ती रही। मैं सीरियस बात करूं, सीरियस बिल्कुल सीरियस, नहीं दिमाग घुमा के रखती है कसम। और छोड़ के तुम सबको कह रहे हो कि अहमद मुझसे बात नहीं कर रहा, ये भी बात है करने वाली? सही बात नहीं, मैंने नहीं कहा अहमद मुझसे बात नहीं कर रहा, मैंने कहा पाया तुम बोल रहे नहीं तो उन्होंने यही समझना होगा, बोलो मुझसे। मैं क्यों बात करूं, बात क्यों करूं अब मैं? अब तुमने इतनी गलत बात की है तो मेरा कोई बात बनना बनता है? अब फिर मुझे मार क्यों मारूँ, खत्म कर दो जनाजा सुबह, मतलब दोस्ती में ये सब कुछ होता है? ये सब कुछ दोस्त दोस्त के पीछे जान दे, मतलब दोस्त दोस्त के पीछे जान दे, गालियाँ दे, गालियाँ, वो गलती हो गई है माफ कर दो ना। नहीं बात सुनो, दी तो दी क्यों गाली तुम? मैं उस वक्त गुस्से में था। क्यों गुस्से में थे? मुझे उस पे गुस्सा चढ़ा हुआ था। ये प्रैंक तो मजा सुनना है तो बस अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सीरियस हो गया था मेरा यार, क्या तुम्हें लगा बिल्कुल सीरियस हो? कसम से दोस्ती है यार, कसम से बिल्कुल जो है ना। अब एक्टिंग कर रहे, वो वकील हो रहा है यार, ओए 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 ये तो रियल में कसम से, देखो तो यार इसके आंसू निकल रहे हैं, देखो तो रो रही हूँ। मजाक किया यार, मैं तुम गालियां दो सो दो, दो सो दो, मजाक में दो, सीरियस दो, मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा? सीरियस रो रहा है यार, शिट हो गया यार, नहीं असली दो असली दो आ बाकी असली दो, और तो रोया शुरू हो गया। हंसो 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 गाइस, ये हमारी रियल दोस्ती है, मैंने थोड़ा एक्टिंग की है, देखो दोस्त रोना शुरू हो गया। बस सुबह नहीं रोना यार, मेरा आखिरी दिन है, मुझे ना रुला देना तो। यार वो कायदा रोया यार, पैसे लाओ नहीं रोना प्लीज, सॉरी यार सॉरी, मैं माफी मांगू, ये लो मैं माफी मांगू। ये रोना शुरू हो गया लिटरली, इतना सख्त प्रैंक हो सकता था, मैं रोना शुरू हो गया यार, एक्सट्रीम टाइप का कसम से।
सो गाइस फाइनली मैंने आज फैसल के साथ बहुत एक्सट्रीम टाइप का प्रैंक कर लिया है। बकायदा ये लड़का रोया है और देख सकते हो इसको कहते हैं रियल दोस्ती। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारी दोस्ती कितनी पक्की और पुख्ता दोस्ती है। बकायदा ये रोया है, इसकी आंखों से इतने आंसू आए आप लोग व्लॉग में देख सकते हो। और मतलब इसको आज मैंने सही तरपाया, पूरा दिन मैंने इससे बात नहीं की, बस साथ को मैंने साथ मिलाया हुआ था। और ये था आज हमारा लास्ट डे एंड बहुत मज़ा आया हमें, और ये फाइनली रोया बोया भी है। होप सो यू लाइक द व्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अब ये मीरपुर आएगा तो हम फिर घूमे फिरेंगे, फिर बातें करेंगे, और मैं भी गाँव आऊँगा अगले मंथ में, शादी है यहाँ पर, तो फिर हम इंजॉय करेंगे। सैड नहीं होना, दिल हमारे साथ ही है, कॉल शॉल पे बात होती रहेगी, इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे फिर से। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी मीरपुर जाकर आप लोगों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह।